नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में निकली भर्ती की। राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के 18 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 16 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के 8 पद और स्टेनोटाइपिस्ट के 4 पद भरे जाएंगे। आपको बताना चाहूँगा, ये सभी पद अनुबंध आधार पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आरक्षित हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास या फिर 10th पास होने के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा होना जरूरी है। उम्मीदवार कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में भी पारंगत होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन BCom पास रखी गई है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में स्पीड होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रखी गई है। उम्मीदवार बोनोफाइड हिमाचली होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT अकाउंट्स स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जून 2022 रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपीज़, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी, SC ST OBC और बोनोफाइड हिमाचली की कॉपी अटेस्ट करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद्युत भवन HPSCVL शिमला पर 15 जून 2022 से पहले भेजने होंगे। जूनियर इंजीनियर के लिए लास्ट डेट 23 जून 2022 रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपीज़, SC ST OBC, बोनोफाइड हिमाचली की कॉपीज़ सेल्फ टेस्ट करके चीफ इंजीनियर नॉर्थ HPSCVL धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पर भेजने होंगे। विज्ञप्ति का लिंक जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है अपने कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। धन्यवाद।